एंजल वन ऐप रेफर एंड अर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी एक बेस्ट रेफर एंड अर्न ऐप की खोज में थे तो यह एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप सभी को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अभी के टाइम पर आप सभी को यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सभी को यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपको अपने फ्रेंड को लिंक भेजना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, सेम उसी तरह से आपका फ्रेंड यहाँ पर अपना अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट कर लेगा, तो आप सभी को पे पर रेफर 500 रुपए देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग हमारे यहाँ पे टोटल रिवार्ड देख सकते हैं, 5000 रुपए हो चुका है। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं 500 रुपए करके मैंने कितना ज्यादा रेफर का रिवार्ड अर्न किया, और सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ दिख रहा होगा, कोई भी स्क्रीनशॉट कोई भी फेक वीडियो मैं आप सभी को नहीं दिखा रहा हूं। तो किस तरीके से आपको इसको रेफर करना और किस तरीके से यहाँ पे रेफर करने के बाद अकाउंट क्रिएट करना है, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक एंजल वन ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अब उस लिंक पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी को डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुंचा देगा। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे अलाउ कर देना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरल कोड इंटर करना है, तो रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस रेफरल कोड को आप सभी को यहाँ पे इंटर करना है। रेफरल कोड इंटर करने के बाद आप सभी को नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप लोग को नीचे ग्रांट परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, जिसको ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आप लोग का मोबाइल नंबर पहले से फिलअप रहेगा, आप लोग को नीचे अपना नाम इंटर करना है। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी पैन कार्ड में नाम हो वही नाम आप सभी को अपना फुल इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे देखते हैं यूज रेफरल कोड, अगर आप लोग को रेफरल कोड यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरल कोड देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो रेफरल कोड शो कर रहा है आप लोग को इसी रेफरल कोड को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे अपना जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू विद गूगल का, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग जो भी जीमेल आईडी यहाँ पे यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। पैन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आप लोग को नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा नीचे ऑथेंटिकेट आधार का, आप लोग को ऑथेंटिकेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंटर योर आधार नंबर, अब आप लोग को यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आप लोग को नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद देख सकते हैं सेट योर सिक्योरिटी पिन, अब आप लोग को यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है। तो अगर आप लोग को अपना डिजी लॉकर का पिन याद है तो आप लोग को यहाँ पे इंटर करना है, अगर आप लोग को नहीं याद तो आप लोग अपने मोबाइल नंबर का शुरू का 6 डिजिट इंटर करके नीचे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड पे ग्रीन टिक लगा रहेगा, अब आप लोग यहाँ पे पर्पस वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सभी को वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं फैचिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को ये फैच कर रहा है, आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद देखते हैं बी हैव सक्सेसफुल रिसीव द डॉक्यूमेंट्स, अब आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है एंजल वन को प्राप्त तो हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट का नंबर देना है। उसके बाद फिर से देखते हैं कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, फिर से यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद नीचे आप लोग अपना IFSC कोड डाल के नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखते हैं बैंक अकाउंट लिंकेड सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे देखते हैं क्लिक आ सेल्फी, तो आप लोग को यहाँ पे नीचे ओपन आ कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यहाँ पे एक सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपके सेल्फी को वेरीफाई करेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद नीचे आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक आ जाएगा,
अब आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा आप सभी को यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोल रहा है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डू इट लेटर का, आप सभी को यहाँ पे डू इट लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को अपना एनुअल इनकम आपको सिलेक्ट करना है, तो आप लोग को जो भी इनकम हो अपना इनकम यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट या बिजनेसमैन है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे अपनी एडिशनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना फादर का नाम इंटर करेंगे, उसके बाद नीचे आप लोग अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे मेल है या फीमेल, उसके बाद नीचे आप लोग को मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या सिंगल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी अगर आप लोग नॉमनी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको ऐड नॉमनी वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है। अगर आपको नहीं करना है तो डू इट लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखते हैं प्रीवी योर केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जो भी आपने अभी फिलअप किया था। अब आप लोग को क्या करना है, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपसे हमने लोडिंग लेने लगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद अब आप लोग को यहाँ पे फिर से अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद नीचे आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा सेंड ओटीपी का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आप सभी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का जो ऑप्शन नीचे मिल जाएगा इस पर आप सभी को यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ वेट। उसके बाद देख सकते हैं वी हैव रिसीव योर डॉक्यूमेंट्स, तो कहने का मतलब गाइस कि यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एंजल वन ऐप को प्राप्त हो चुका है। अब यह लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग को यहाँ पे 3 वर्किंग डेज का वेट करना है, उसके बाद आपका जैसे ही यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम आप लोग को यहाँ पे SMS के थ्रू बता देंगे। तो अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है तो आप लोग को यहाँ पे 2 से 3 दिन का वेट करना है। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा तो एंजल वन ऐप की तरफ से आपके क्लाइंट ID और उसका पासवर्ड आ जाएगा जिससे आप लोग एंजल वन ऐप पे लॉगिन कर पाएंगे। बस इसी तरह आप सभी को अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, उसके बाद जिसको लिंक शेयर करेंगे उसको भी यहाँ पे इसी तरीके से अकाउंट क्रिएट करवाना है। तो गाइस जैसा कि आप सभी को यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है, अब आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपना एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे होम स्क्रीन पे ही ऑप्शन मिल जाता है रेफर एंड अर्न का, आप सभी को यहाँ पे रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ₹500 हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप लोग जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे यहाँ पे तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में यहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा हो, ₹750 शो कर रहा हो, ₹1000 शो कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपके फ़ोन में ₹200 शो कर रहा हो, ₹250 शो कर रहा हो। तो अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे रेफर का रिवार्ड जो कम शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो रेफर का रिवार्ड होता है ये सभी के फ़ोन में अलग अलग शो कर रहा है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे अलग शो कर रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप सभी को यहाँ पे रेफर का रिवार्ड कैसे रिसीव होगा, तो यहाँ पे साइड में ही देख सकते हैं कि आप सभी को 3 स्टेप में रेफर का रिवार्ड रिसीव होगा। सबसे पहले आप सभी को अपने फ्रेंड को लिंक शेयर करना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं योर फ्रेंड ओपन एन अकाउंट, बस आपका फ्रेंड यहाँ पे आपके लिंक के थ्रू डाउनलोड करेगा, आपका रेफर कोड अप्लाई करेगा। जैसे ही वो अपना अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट कर लेगा तो आप सभी को यहाँ पे 3 स्टेप में देख सकते हैं रेफर का रिवार्ड रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ यू बिल विल रिसीव योर वाउचर इन 2 से 7 डेज, यहाँ पे आपको जो वाउचर रिसीव हो जाएगा 2 से 7 दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको रेफर का रिवार्ड रिसीव होगा वो वाउचर के रूप में रिसीव होगा जिसे आप सभी को रिडीम करना पड़ेगा। अब रिडीम कैसे करना, मैंने इस पर पहले से कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप लोग को इन डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं आप सभी को लिंक को कैसे शेयर करना है, तो लिंक को शेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो रेफर कोड दिख रहा होगा यह आप सभी का रेफर कोड है, इसी रेफर कोड को सबसे पहले आप सभी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिंक शेयर करने का आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, शेयर लिंक बाय व्हाट्सएप का और शेयर का। अगर आप शेयर लिंक बाय व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करते हैं तो आप सिर्फ व्हाट्सएप से कर पाएंगे, अगर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को और भी सोशल मीडिया ऐप मिल जाएंगे, आप लोग जिस तरीके से भी लिंक को शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम सबसे पहले व्हाट्सएप के थ्रू अपने एक फ्रेंड को रेफर कर देते हैं। अब मैंने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दिया है, अब मेरा फ्रेंड क्या करे, यहाँ पे जो नीचे लिंक दिख रही होगी इस लिंक पे क्लिक करके एंजल वन ऐप को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते लिखा हुआ है आवर यूज माई रेफरल कोड,
इस रेफरल कोड को अपने फ़ोन में अप्लाई करेगा। उसके बाद जैसे ही वो अपना अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट कर लेगा तो मुझे यहाँ पे रेफरल का रिवार्ड रिसीव हो जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं आप सभी को यहाँ पे जो रेफरल का रिवार्ड रिसीव होगा कहाँ पे शो करेगा। तो उसके लिए आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, रेफरल रिवार्ड्स का और पेंडिंग रेफरल्स का। आप लोग को पेंडिंग रेफरल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जिनको भी लिंक शेयर किया हुआ है, जिनकी केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उनका यहाँ पे पेंडिंग में दिखेगा। और जिनका यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा वह आप सभी को यहाँ पे रेफरल्स रिवार्ड्स वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। उनका रिवार्ड यहाँ पे टोटल रिवार्ड में काउंट हो जाएगा, उनका रिवार्ड आप सभी को यहाँ पे सक्सेसफुल मिल जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग एंजल वन ऐप को अपने फ्रेंड को रेफर करके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप लोग पर रेफर यहाँ पे 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का रेफर का रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर दे।